बेटा लड़कियों के मिजाज में ज़रा ठहराव होना चाहिए। आखिर को रुख्सत होके उन्हें दूसरे घर जाना है और फिर वहाँ पर ही असली इम्तिहान है वालिदैन की तरबियत का। अम्मा जी वो कौन सा गैरों में ब्याह कर जा रही है? मसूद भाई तो हमारे अपने हैं, बल्कि सगे रिश्तेदारों से बढ़कर हैं, आप भी ना। अरे सगे हों या रिश्तेदार हों, ससुराल ससुराल होती है। और मैं नहीं चाहती कि इतना पुराना रिश्ता, पुराना हमारा ताल्लुक उनसे ख़राब हो जाए छोटी सी बात के पीछे। भाई नौफल अभी उसका मंगेतर है, कोई शौहर तो नहीं है। इसलिए रोशना को कुछ समझाओ। बताओ भला अब मोटरसाइकिल चलाएगी क्या वो? अम्मा वो मोटरसाइकिल सीख रही थी, चला थोड़ी रही थी। फैसल अम्मा ठीक तो कह रही हैं, समझाओ रोशना को। उसके शौक तो निराले होते जा रहे हैं। जब दिल चाहता है कैरी तोड़ने के लिए दीवार पे चढ़ जाती है, जब दिल चाहता है सवारी करने लगती है बाइक की, मतलब क्या चल रही है? आप सब जानते हैं वो बच्ची है, उसकी तबीयत में शोखी है, बड़ी होगी तो संभल जाएगी। कि तुम सबने ही मिलकर उसको बिगाड़ा है। क्यों गुस्सा कर रही है मेरी प्यारी अम्मा जी? ये ले पिए और गुस्सा ठंडा करें। आप भी लेना भाई भाभी जी। भाई आप भी ले। ये बैग जरा मेरे कमरे में रखाओ और फ्रेश जूस ले आओ जल्दी से। अमान साहब आ गए? जी बिल्कुल। कुलसुम मेरे लिए स्नैक्स बना दो, बहुत भूख लग रही है। हाय मॉम। हाय, किधर की तैयारी है? एक बर्थडे पार्टी में जा। अच्छा चलो गुड, एंजॉय। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ और फिर हम खाते हैं। अभी आई एम हंग्री। नहीं ना, चलो फ्रेश हो जाओ।